नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल भट्टर, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो कि हमें हर जगह हमारे आसपास में देखने को मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीम की। नीम एक ऐसा औषधि युक्त पेड़ है जो हमारे पूर्वजों ने हर जगह पर लगाया है। इनफैक्ट नीम की जो निम्बोली होती है उससे तो तेल भी निकाला जाता है, जिसे नीम तेल कहते हैं। और ये तेल सोराइसिस, इग्जिमा जैसे कई सारे स्किन की बीमारियों पर भी हम यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने से नीम को हम यूज़ करते आ रहे हैं। हमारी दादी ने, हमारे दादा ने हमें नीम का घोल, नीम का रस ज़रूर पिलाया होगा, क्योंकि इसके कई औषधीय गुण हमें देखने को मिले हैं। आज हम बात करेंगे नीम के उन औषधीय गुणों के बारे में जो हमें होम्योपैथी के थ्रू पता चले हैं, और होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथी में नीम से जो दवा बनती है उसे कहा जाता है अजाडिराक्टा इंडिका। डॉक्टर पीसी मजुमदार, इन्होंने इस दवा को प्रूव किया था। अब होम्योपैथी में जो नीम की दवा बनती है, जो अजाडिराक्टा इंडिका बनती है, ये दवा बनी होती है नीम के छाल से। नीम के जो छिलके होते हैं इनको कूटकर इनका पल्प बना के फिर इससे होम्योपैथी में नीम की दवा बनाई जाती है, अजाडिराक्टा इंडिका बनाई जाती है। आइए जानते हैं इनके कौन कौन से औषधीय गुण हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम नीम के मानसिक लक्षणों से। मानसिक लक्षणों की अगर बात करेंगे तो अजाडिराक्टा इंडिका का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही भुलक्कड़ किस्म का पेशेंट होता है। उसे कुछ भी याद नहीं होता है। अच्छे खासे परिचित इंसान का, व्यक्ति का नाम वो भूल जाता है। यही नहीं, अगर हमने कभी पेशेंट को पूछ लिया कि आपने कल क्या किया था तो वो भी वो ठीक से बता नहीं पाएगा। इतना भुलक्कड़ पेशेंट हमें अजाडिराक्टा इंडिका का देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके सिर के बारे में। हमें अजाडिराक्टा इंडिका के अंदर बहुत ही सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। जो हेडेक होता है वो टेम्पोरल रीजन में खासकर हमें देखने को मिलता है, और थ्रॉबिंग पेन हमें देखने को मिलता है। इस तरह से लगता है पेशेंट को, ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा, और इसी के चक्कर में पेशेंट को कई बार चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को डिजीनेस फील होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट को जो चक्कर आते हैं वो उसे ऐसा लगता है कि आसपास का जो वातावरण है उसका आगे पीछे हिल रहा है, आगे पीछे वातावरण हिल रहा है, ऐसा उसे महसूस होता है। चक्कर पेशेंट को खासकर तब देखने को मिलता है जब पेशेंट बैठी हुई कंडीशन से उठ के चलने की शुरुआत करता है। जब भी उठ के चलने की शुरुआत करेगा तब पेशेंट को चक्कर आएंगे और उसे ऐसा लगेगा कि वो अब गिर जाएगा। तो ये हमें हेडेक और वर्टिगो अजाडिराक्टा इंडिका के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इस तरह का अगर आपको सिर दर्द देखने को मिलता है और इस तरह का सिर दर्द के साथ चक्कर आपको देखने को मिलता है तो आप अजाडिराक्टा इंडिका ज़रूर दीजिएगा पेशेंट को, और आप पाइएगा कि बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स हमें इस दवा के देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अजाडिराक्टा इंडिका बहुत ही अच्छी रेमेडी है वर्म इन्फेक्शंस के लिए। पेशेंट जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें वर्म्स की इन्फेक्शन हो जाती है, पेट के अंदर जंत हो जाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, बार बार उन्हें मीठा खाने की इच्छा होती है, बार बार इन बच्चों का अगर पेट दर्द करता है तो अजाडिराक्टा इंडिका के हमें बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बच्चे झुक जाएंगे, इस तरह नीचे झुक जाएंगे, तो झुकने के बाद इन्हें पेट दर्द में आराम देखने को मिलता है। बच्चों को लगेगा कि अब पेट दर्द कम हुआ है। बेड में भी सोएंगे तो डबल अप पोजीशन में हमें बच्चे सोते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेट दर्द डबल अप पोजीशन में ही हमें कम होता हुआ बच्चों का देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है अजाडिराक्टा इंडिका में, और साथ ही साथ जो गैसेस होती है, बहुत गैसेस बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलती है, और गैसेस में बहुत ही बदबू हमें देखने को मिलती है। इस तरह के सिम्टम्स हमें वर्म इन्फेस्टेशन के साथ बच्चों के अंदर अजाडिराक्टा इंडिका के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे फीवर्स के बारे में अजाडिराक्टा इंडिका के। फीवर के लिए अजाडिराक्टा इंडिका बहुत ही अच्छी दवा है। पेशेंट के अंदर फीवर अमूमन शाम को 4-4:30 बजे हमें आता हुआ देखने को मिलता है, और शाम को 7 बजे तक पेशेंट का फीवर कम हो जाता है। ठंडी बजेंगी नहीं बजेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठंडी बज के बुखार आए या ठंडी बिना बजे बुखार आए, दोनों ही केसेस में अजाडिराक्टा इंडिका के बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट के अंदर हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो स्वेटिंग होगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्वेटिंग सिर से शुरू होगा, चेहरे से हमें स्वेटिंग शुरू होता हुआ देखने को मिलता है, और फिर अपर बॉडी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग अजाडिराक्टा इंडिका के अंदर देखने को मिलता है। ख्याल रखिएगा अपर बॉडी में ही हमें स्वेटिंग देखने को मिलेगा, लोअर बॉडी के अंदर स्वेटिंग देखने को नहीं मिलता है।
कई बार ठंडी बचकर बुखार आने पे क्विनिन का अब्यूज़ हमें देखने को मिलता है, क्विनिन देके उस बुखार को दबा दिया जाता है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो उस केस के अंदर भी अज़ाडिराक्टा इंडिका के बहुत अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अज़ाडिराक्टा इंडिका, सेड्रॉन, आर्सेनिक, नक्सोमिका, नेट्रमूर, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो क्विनिन के ओवर यूज़ के बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात भी हमें ख्याल में रखनी है, बुखार के लिए नीम के बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों लास्टली हम बात करेंगे इसके स्किन के बारे में। स्किन के लिए हमने देखा है पारंपरिक तौर पे नीम बहुत अच्छी दवा है और हम पारंपरिक तौर पे नीम को स्किन के लिए यूज़ करते हैं। नीम के साबुन, नीम के शैम्पूज मार्केट में मिलते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी त्वचा पे हमें बहुत बेनिफिशियल देखने को मिले हैं। स्किन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके दो सिम्टम्स हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो पेशेंट को हमेशा खुजली देखने को मिलेंगी, खुजली ऐसी कि हमें ऊपर कोई इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ खुजली हो रही है। बहुत खुजली अगर पेशेंट को हो रही है तो अज़ाडिराक्टा इंडिका के बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और दूसरा इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है सुडामिना। सुडामिना ये ओल्ड टर्म है, न्यू टर्म है मिलेरिया क्रिस्टलिना। तो आमतौर पर लेमन लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं घमौरी। घमौरी जब भी होती है तो अज़ाडिराक्टा इंडिका अगर आप उस पेशेंट को देते हो धूप में, अमूमन पसीना ज़्यादा जाने से जब भी घमौरी होती है तब अगर हम अज़ाडिराक्टा इंडिका पेशेंट को देते हैं तो इसके बहुत अच्छे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इस दवा को लेने के बाद में एक हफ्ते के अंदर ही घमौरी पेशेंट की पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ये चार पांच बीमारियों के ऊपर इस दवा के हमें बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जब भी ये सिम्टम्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिले तो हमें अज़ाडिराक्टा इंडिका के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों पोटेंसी इसकी 6C और 30, ये पोटेंसी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और इन पोटेंसीज के हमें बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिले हैं। फीवर के अंदर खासकर हम 6C पोटेंसी यूज़ करते हैं और इसे हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। 4-4 घंटे में हम 6C पोटेंसी के अज़ाडिराक्टा इंडिका का डाइल्यूशन पेशेंट की ज़ुबान पे 2-2 बूंद दे सकते हैं जिससे कि पेशेंट का बुखार तुरंत उतर जाएगा। स्किन की कंडीशन की अगर हम बात करें तो स्किन कंडीशंस में और वर्म इन्फेस्टेशन की कंडीशन में हम अज़ाडिराक्टा इंडिका 30 के पोटेंसी यूज़ करते हो। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।